दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको तेजस खतौली का रहने वाला है और इसकी एक और जो इसने गाड़ी बनाई है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि तेजस की एक वीडियो अब से पहले एक और आई थी ड्रोन बनाने की और इसने वो ड्रोन उड़ाकर भी दिखाया था और आप लोगों को उस वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार मिला। 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अभी तक उसे देखा है। उससे बीच में भी इसने बहुत कुछ बनाया मगर ये बना देता है, बनाने के बाद यूज करता है और फिर से उसे बेकार कर देता है, फिर से उसे तोड़ देता है, इकट्ठी करके नहीं रखता क्योंकि जो इसमें मटेरियल लगता है एक दूसरे में मटेरियल लगा लगा के बना बना करके देखता है और जो बना लेता है उसकी फिर यूज करता है और मन भर जाता है तो फिर तोड़ देता है। इसलिए इसके पास कोई इकट्ठी चीज़, मैंने वो ड्रोन पूछा करके कि वो जो ड्रोन बनाया था वो कहाँ है, इसने कहा कि वो तोड़ दिया। तो मैं आज आपको इस गाड़ी के बारे में बता रहा हूँ जिसमें लकड़ी के पहिए हैं और लकड़ी की सीट है और ये मोटर वगैरह लगे हैं। देखते हैं, पूछते हैं तेजस से आखिर उसने ये गाड़ी कैसे बनाई और मैं आपको इसको चलाकर भी दिखाऊंगा। आप मेरे बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं कि ये गाड़ी किस तरह से चल रही है। तो आइए पूछते हैं तेजस से। तेजस लीजिए अपनी गाड़ी पकड़ो और मुझे बताओ ये जो गाड़ी आपने बनाई है ये कैसे कैसे बनाई है, ये जो पहिए बनाए हैं सबसे पहले इन पहियों के बारे में बताओ मुझे, ये जो पहिए हैं ये पहिए किस तरीके से बनाए हैं। मेरे पास एक गत्ता था तो मैंने उस गत्ते को गोलाकार में काटा और फिर मैंने इस पर टेप लगा कर इसे पहिए बना दिए। जैसे ये टेप लगा रखी है आप देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस पहियों के बीच में ये टेप लगा रखी है और ये जो पहिए गत्ते काट करके दोनों को चिपका रखा है टेप लगा करके। और ये जो है ये एक झाड़ू की सीख है और इस झाड़ू की सीख में इन गत्तों को फंसा रखा है और बीच में ये क्या है, ये इसमें जिससे कि ये घूमता रहे इसके बीच में ये क्या लगा रखा है, ये पाइप है, ये पाइप काट के लगा रखा है और इसमें एक स्टिक कंटी वाली स्टिक लगा रखी है जो बैटन स्टिक होती है, जो दीवार में जब बैटन लगाते हैं तो वो वाली, ये एक रोकने के लिए कंटी वाला होल्डर इन्होंने लगा रखा है जिससे कि ये अंदर से घूमती रहे मगर इधर उधर को ना जा सके। और ये पूरा लकड़ी का है, लकड़ी काट करके इसको शेप दिया है इस पहिए के आकार के। ये सभी पहिए गत्ते के बना रखे हैं और यहाँ पर ये मोटर है, एक छोटा मोटर, इस छोटे मोटर डीसी मोटर है और यहाँ पर ये किस तरीके से लगाया, ये क्या है, ये आइसक्रीम की स्टिक है। मैंने पहले टेस्टर से इस प्लाई में गड्ढा किया, उसके बाद इसमें बारीक पेच आते हैं उसमें लगाकर मैंने अर्फिस छल्ले लगा दिए। ये इन्होंने आइसक्रीम की स्टिक ले रखी है, जो आइसक्रीम खाते हैं उसकी जो स्टिक बचती है उसको उसमें छेद करके पेंच लगा रखे और इसी में ये मोटर फिट कर रखे और इस मोटर को रबड़ से रोक रखा है। और इस पहिए में आप देख सकते हो, इसमें दिखाई नहीं देगा शायद, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें एक इन्होंने अंदर से एक पाइप लगा रखा है, मोटर में पाइप सा फिट कर रखा और उस पाइप के ऊपर ये पहिया फिट कर रखा है। उसके बाद ये बोल्ट नीचे से खींच रखे है और ये इस तरीके से पहिया बना दिया है। अब इसकी हम बात करें, इस मोटर में ये वायर इन्होंने ले रखा है, बताओ इसके बारे में बताओ कुछ, ये कैसे बनाया। पहले तो मैंने 4 वाल्ट की बैटरी ली, उसके बाद उसमें से एक तार निकाले और फिर एक जहाँ से वो जॉइंट रहता है इसे वहाँ से मैं तार काट के इस स्विच में लगा दिए। ये स्विच है, ये मार्केट से मिल जाता है स्विच और इसमें 2 तार ये बैटरी से जॉइंट है और ये स्विच है। जैसे हम इसे ऑन करते हैं तो देखें ये इस तरीके से चल जाता है, ऑफ़ करते हैं तो ये बंद हो जाता है। मैं आपको ज़मीन पे भी चला के दिखाऊंगा, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया भी था तो। और इसमें ये क्या लगा हुआ है, ये क्या है, ये चार्जर है, पिन वाला, जो हमारे फोन में पिन आती है वो वाला चार्जर है ये। अच्छा, आपको मार्केट से मिल जाएगा। अच्छा, इसमें चार्जर लग जाता है, चार्ज होती है ये बैटरी। यस, तो चार्जर है आपके पास, देखे लगा के एक बार इसको। हाँ जी, ये चार्जर है, देखिए ये नॉर्मल मोबाइल चार्ज करने का चार्जर है और ये सॉकेट लगा रखा है इन्होंने, फिट कर रखा है और इसी में इससे ही बैटरी में वायर गए हुए हैं और ये चार्जर हम
इस तरीके से लगाते हैं और इसको डायरेक्ट स्विच में लगा देते हैं, ये बैटरी चार्ज हो जाती है, यदि बैटरी डाउन हो गई तो ये चार्ज हो करके आ जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा काम कर रखा है कि बैटरी को चार्ज करने का जुगाड़ भी इसी में ही है। तो तेजस आप मुझे बताओ, ये जो आप कभी गाड़ी बनाते हो, कभी आप ड्रोन बनाते हो, ये आइडिया आपके मन में कहाँ से आता है? एक्चुअली मैं यूट्यूब देखता हूँ, उसमें देख देख के मैंने गाड़ी और ड्रोन बनाए थे। अच्छा, तो ये भी आपने यूट्यूब में देखकर बनाई है? यस। अच्छा, तो यूट्यूब से आपको आइडिया मिलता है, मगर आप एक बार यूट्यूब देख लेते हो और उसके बाद ये बना लेते हो, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है, क्रिएटिविटी इंसान के अंदर होनी चाहिए। जो भी आप बनाते हो अच्छा बना रखा है, लकड़ी का अच्छा एक खिलौना बना रखा है आपने। तो आगे क्या करने का इरादा है, आगे भी कुछ बना रहे हो? हाँ, आगे मैं एक इंजेक्शन से बुलडोजर। चलिए, जब इंजेक्शन से बुलडोजर बन जाएगा, देखते हैं आपका कैसे किस तरीके से बनाओगे। अच्छा तेजस, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं फोर्थ क्लास में पढ़ता हूँ। फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं, ये तेजस फोर्थ क्लास में पढ़ता है। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 11। अच्छा, 11 ईयर्स के है। और जो आपने पहली वीडियो बनाई थी ड्रोन वाली, वो तो शायद 1-1.5 साल पहले बनाई थी, है ना? हाँ, उस वक्त मैं 9 साल का था। अच्छा, उस समय 9 साल के थे आप। तो अब आपकी उम्र 10.5 या 11 साल की है ना? यस। ठीक है, चलिए ये अच्छी। अच्छा, तो इसे हम चला के देखते हैं एक बार, नीचे फर्श पे हैं तो किस तरीके से चलता है। वैसे यदि हम स्विच ऑन करते हैं तो ये देखें, स्विच ऑन करते ही ये पहिया कितनी स्पीड से घूम रहा है आप देख सकते हैं। और जैसे हम इसे नीचे रखेंगे, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, इसे बंद कर देता हूँ पहले। अब देखिए तेजस आपको इस गाड़ी का स्विच ऑन करके दिखाएगा, जिससे कि ये गाड़ी चलेगी। तेजस स्विच ऑन करो और इस गाड़ी को ऊपर को उठाओ, जिससे कि चलती हुई दिखाई दे जाए। अब इसे ज़मीन पर रख के चला के दिखाओ। राम राम। ये देखिए, ये गाड़ी चल रही है, आप देख सकते हो स्विच ऑन है और ये गाड़ी चल रही है। सिर्फ इसे गोल घुमाने का एंगल दिया जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये तेजस ने बनाया है, इससे पहले भी तेजस ने एक वीडियो बनाई थी। एक दोस्तों, हम काफ़ी देर से इसे चला रहे हैं तो बैटरी डाउन हो चुकी है। मैंने भी चला करके देखी, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने बीच में कट कर दिया। तो ये आखिरी की मैं दिखा रहा हूँ जो बैटरी डाउन हो चुकी थी, काफ़ी देर तक ये चली। तो ये अच्छी चीज़ बनाई है तेजस ने। दोस्तों, अब से पहले भी तेजस की वीडियो आई थी, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा और कार्ड पे ऊपर यहाँ पर कार्ड पे लिंक भी आ जाएगा। आप यदि देखना चाहते हो तेजस ने जो ड्रोन बनाया था उस वीडियो को, जिसको अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है, आप भी उसे देख सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो मात्र एक मोटिवेशनल वीडियो होती है। यदि आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है तो उनको ये वीडियो दिखाओ, क्योंकि इससे एक मोटिवेट होता है बच्चा और कुछ एक्टिवेशन उनके मन के अंदर होता है और एक्टिवेट होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। पता नहीं आपका बच्चा किस फील्ड में आगे निकल जाए, इसलिए अपने बच्चे के टैलेंट को इग्नोर ना करें और तेजस की तरह ही उस टैलेंट को किसी न किसी रूप में आकार दे। जैसे कि तेजस ने ये लकड़ी के पहिए, लकड़ी का गाड़ी बनाई और ये रिमोट भी बनाया लकड़ी का। बस थोड़ा सा आइटम होता है, जैसे बैटरी ले आए, स्विच ले आए मार्केट से, बाकी सारी एक्टिविटी इनकी होती है। भले ही ये लोग यूट्यूब पर देखकर बना रहे हो या किसी को देखकर बना रहे हो या कोई गाड़ी देखकर बना रहे हो, तो ये मोटिवेशनल वीडियो है। इस पर आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स करने चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियो में एक दो कमेंट्स ऐसा आया था कि ये तो फेक वीडियो है, ये ऐसे उड़ ही नहीं सकता ड्रोन, इतना छोटा बच्चा बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता भाई? बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। यदि एक्टिव है आपका बच्चा और किसी चीज़ को पकड़ रहा है, किसी चीज़ को सीख रहा है, तो ज़रूर बना सकता है। ये वीडियो इसी वजह से आप लोगों को दिखाई जा रही है कि आपके बच्चे के अंदर भी टैलेंट हो सकता है। उस बच्चे को दिखाओ, उसके अंदर कोई टैलेंट है तो 10-15-20-50 रुपये का कुछ उसको बैटरी इस तरह का आइटम दो। यदि कुछ, वो ज़रूरी नहीं कि वो इसी तरह का कोई आइटम बनाए, कुछ और टैलेंट भी हो सकता है। बच्चे को हमेशा आप मोटिवेट करें, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखें। पता नहीं, बच्चा ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई में ही आगे हो, किसी और फील्ड में भी बच्चा आगे हो सकता है। तो उसके टैलेंट को आपको कभी भी दबाना नहीं है, उसके टैलेंट को उभारना है और
पढ़ाई, इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई को आप इग्नोर कर दो, पढ़ाई पर भी आपको फोकस रखना है, क्योंकि कुछ शौक़ होते हैं बच्चों के, कभी कभी आगे प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, मेरा मकसद वीडियो बनाने का केवल इतना ही है कि तेजस जैसा टैलेंट और बच्चों के अंदर भी होगा जिससे कि वे मोटिवेट होए, और आप इस बच्चे को भी इनक्रीज कीजिए कि मोटिवेट कीजिए कमेंट्स करके कि आपने बहुत अच्छा काम किया, जिससे कि बच्चे को और आगे चल के चैलेंजिंग जो भी चीज़ बनाना चाहता है उसको चैलेंज के रूप में ले, उस पर काम करें और उसको एक उत्साह मिले कि हाँ लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन बस ध्यान रखिए, जो कमी है आप बता सकते हैं, कमी बतानी चाहिए, लेकिन गलत नहीं आपको कमेंट्स करने, क्योंकि ये बच्चे की वीडियो है और बच्चे को आप सब जानते हैं हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, उसे नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आइए, तो तेजस ठीक है, आपने ये बनाई बहुत अच्छी बात है। आगे आप बता रहे हो कि एक बुलडोजर आपको बनाना है, एक इंजेक्शन लेकर जहाँ पर उसकी सुई लगती है उसमें एक पाइप कर पाइप फिट करके दूसरे इंजेक्शन में पाइप फिट करके, और फिर जब भी उसका पलट से दबाते हैं तो फिर पानी पाइप में को जाकर जब दूसरे इंजेक्शन में को पहुंचता है तो फिर जहाँ से हमने दबाया वही ऊपर कूट जाएगा। अच्छा, मतलब उसमें पानी ऊपर को उठेगा, तो बुलडोजर कहाँ से होगा ये? मैं उसमें एक चीज़ बनाऊँगा पलाई की। अच्छा चलिए ठीक है, जब भी बनाएंगे, जब भी देखते हैं, यदि वक्त लगा तो ज़रूर वीडियो उसकी भी बना करके लाएंगे, किस तरह से बनाएंगे उस समय देखते। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो या आपको लगा हो कि हाँ बच्चे के अंदर कुछ टैलेंट है, तो ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपके बच्चों को भी मोटिवेट हो, आपके बच्चे भी कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें। और मैं अभी आपको इसको गाड़ी को चलाकर भी दिखाऊंगा, आप देख लीजिए इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए, और तेजस को कमेंट्स करके मोटिवेट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।